सेंटअप एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें से 1 to 6 का विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 20, क्वेश्चन नंबर 20 तक एनालिसिस किया जा रहा है। तो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रूट ऑफ विच प्लांट गिव्स राइज टू ए न्यू प्लांट्स। क्वेश्चन में किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, माने कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें स्टेम से, रूट से और लीफ से नए पौधे तैयार होते हैं। इस तरह के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको कहा जाता है। तो इस यह जो है आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर से है, जिसमें पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रजनन, उसी में से यह क्वेश्चन है। तो इसमें देखना है कि रूट से नया पौधा किसमें उत्पन्न होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के अनुसार ये में है नीम, इससे नहीं होता है। बी पिटूनिया, सी गुलमोहर, डी डहलिया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि गुलमोहर से भी नहीं होता है, पिटूनिया से भी नहीं होता है। इसका सही जवाब डी डहलिया के रूट से एक नए पौधे जो है सो उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब डी होगा, डहलिया। इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रोडक्शन विच डजंट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज कॉल्ड। ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मक का विलयन नहीं होता है, मतलब गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है। तो इसमें है पार्थिनोजिनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस, पारासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस जो चारों टॉपिक्स है, चारों के बारे में किसी को जानकारी रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। कभी पार्थिनोजिनेसिस के बारे में पूछ सकता है, कभी एपोमिक्सिस के बारे में, कभी डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव में सबके बारे में जानना चाहिए। ऐसे तो यहाँ पर जो है पार्थिनोजिनेसिस का कहने का मतलब बिना इसमें जो गैमेट्स होते हैं डायरेक्ट इम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं, वो पार्थिनोजिनेसिस कहलाते हैं। एपोमिक्सिस में विदाउट फ्यूजन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जो आपका एपोमिक्सिस कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन में आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो है तो ट्रिपल फ्यूजन होता है इम्ब्रियोसाइट में, जिसमें से एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। पारासेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास करके फंजाई में होता है, जो हाइफा का फ्यूजन होता है वो आपका पारासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें सही जवाब एपोमिक्सिस, सी है ना, सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूट्रोफिकेशन इज फाउंड, माने सुपोषण पाया जाता है, माने सुपोषण किस में होता है। तो सबसे पहले जानना है कि सुपोषण है क्या चीज। सुपोषण कहने का मतलब है मुख्य रूप से जलाशयों में होता है, जहां पर कूड़े कचरे अधिक गिरते हैं, डिटर्जेंट घर का नली या कूड़े कचरे जहां पर अधिक होते हैं, वहां पर फॉस्फेट और पोटेशियम की मात्रा जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण वहां पर जो है एल्गी ज्यादा डेवलप करते हैं, जिसके फलस्वरूप और दूसरे प्लांट्स वहाँ और ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक रीजन में डेवलप नहीं कर पाते हैं।
इसको जो है सो सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव के अनुसार, एमसीक्यू के अनुसार, नाइन्थ का जवाब झील लेक में होगा। इधर अगर स्लाइन सॉइल ऑन माउंटेन एंड एग्रीकल्चर लैंड, ये समय नहीं बल्कि इसका सही जवाब इन लेक्स झील में होगा, मतलब सी नाइन का सही जवाब सी। क्वेश्चन नंबर 10, एसिड रेन का कारण, एसिड रेन का कारण क्या होता है? इसमें है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो एसिड रेन का मेन कारण एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन के फलस्वरूप SO2, CO2, NO2 ये सब जो है सो गैसेस निकलते हैं और ये जो है सो रेन वाटर से मिल करके H2SO4, H2CO3, HNO3 का निर्माण होता है। ये सब जो है सो क्या है, एसिड है, और यही फिर एसिड्स रेन वाटर के साथ जमीन पर बरसते हैं जो एसिड रेन कहलाता है, जो आपका प्लांट्स के लिए और भी स्मारक जो होते हैं संगमरमर का बना हुआ उसके लिए वो हानिकारक होता है। यहाँ पर अम्लीय वर्षा वो कहलाता है, इसके लिए सही जवाब आपका बी, इसलिए एयर पॉल्यूशन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्जांपल ऑफ इंडोमाइकोराइजा, अंतः कवक मूल का उदाहरण है। यहां पर माइकोराइजा, एक टर्म है जिसमें एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स ऑफ रूट, फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच एसोसिएशन होता है, जो दोनों के बीच बेनिफिशियरी एसोसिएशन होता है, दोनों उसे लाभान्वित होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से इसका सही जवाब ग्लोमस है, क्योंकि एगेरिकस एक फंजाई जो एडिबल फंजाई है ये नहीं हो सकता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, और नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें इसका सही जवाब डी। तो माइकोराइजा जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंडोमाइकोराइजा, एक एक्सोमाइकोराइजा। इंडोमाइकोराइजा का मतलब आपका रूट के जो है इंटरनल पार्ट्स में वो जो है डेवलप करता है, और एक्सोमाइकोराइजा मतलब रूट के आउटर सरफेस पर वह डेवलप करता है। इसका सही जवाब ये। क्वेश्चन नंबर 12, बेकर्स ईस्ट, ईस्ट एक फंजाई है, तो उसका कह रहा है कि बेकर जो पाव रोटी होता है उसमें कौन से फंजाई जो है ईस्ट जो है वो आपका उसको बनाने में वो मदद करता है। इसमें बहुत सारे, इसका साइंटिफिक नेम ऐसे सैक्रोमाइसिस, और इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सैक्रोमाइस ऑक्टोस्पोरस, सैक्रोमाइस लिडोविगी, सैक्रोमाइस रेमोसस। इसमें जो है आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव ए, यह मुख्य रूप से इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब पाव रोटी या इसके बनाने में एक फर्मेंटेशन क्रिया में जो है आपका मदद करता है। फर्मेंटेशन क्रिया में CO2 उत्पन्न होता है जिसके कारण पाव रोटी जो है तो आपका फूला हुआ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 13, संकन एस्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, संकन का मतलब यहां पर धंसा हुआ या छिपा हुआ एस्टोमेटा,
मुख्य रूप से स्टेम और लीफ पर एक स्मॉल पोर होता है जिसके द्वारा प्लांट्स में गैसों का एक्सचेंज होता है। CO2 आपका अंदर प्रवेश करता है, O2 बाहर निकलता है, इस तरह से गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है। तो किस तरह के प्लांट में, हाइड्रोफिटिक, मेसोफिटिक, जेरोफिटिक, हाइड्रो मतलब वाटर, जलोद्भिद जिसको बोल रहे हैं, मरुद्भिद मतलब जेरोफिटिक रेगिस्तानी पौधा, और एक होता है समोद्भिद मतलब मेसोफिटिक प्लांट, एक हेलोफाइट मतलब स्लाइन वाटर लवणीय जल में। तो मुख्य रूप से यह जो है जेरोफिटिक प्लांट जो रेगिस्तानी पौधा होता है उसमें संकर एस्टोमेटा आपका एनाटोमिकल फीचर्स होते हैं। संकर एस्टोमेटा पाए जाने के कारण कम से कम वाटर जो है वेपोराइज्ड होगा, वाटर जो है कम से कम निकलेगा, जिसके कारण प्लांट जो है सो अधिक समय तक सर्वाइव करेगा। इसलिए इसका जवाब जेरोफिटिक मतलब बी, जेरोफिटिक। क्वेश्चन नंबर 14। इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंसेस आर कॉल्ड, खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम क्या कहलाता है? इंट्रॉन, एक्सॉन, सिस्ट्रॉन, ऑपेरॉन। इसमें जो है सो आपको चारों टर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए, इंट्रॉन, एक्सॉन। तो यहां पर जो स्प्लिटिंग जीन होते हैं उसमें मुख्य रूप से इस तरह से भाग होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन। इसमें दो तरह के अलग अलग सेडेड किया गया है, ए बी सी डी ई। इसमें से ए भाग जो है एक्सॉन, बी भाग जो है इंट्रॉन, ये एक्सॉन, ये आपका इंट्रॉन, ये आपका एक्सॉन। इस तरह से अल्टरनेट इसमें अरेंज होते हैं स्प्लिटिंग जीन्स में, एक्सॉन इंट्रॉन, और एक्सॉन जो भाग होते हैं उसे कोडिंग सीक्वेंस कहा जाता है, कोडिंग सीक्वेंस या कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन मतलब इसमें जो आपका है एक्सॉन्स, कोडिंग रीजन का मतलब आपका यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, और इंट्रॉन जो है आपका नॉन कोडिंग रीजन होता है, और ये जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन में ये भाग लेता है, ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप आपका डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर कोडिंग रीजन आपका एक्सॉन हो गया, इसलिए इसका सही जवाब आपका बी, एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 15। Enzymes used in the process of transcription. ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सब आपका डीएनए में प्रोसेस होता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में कौन से एंजाइम प्रयुक्त होता है, मतलब उपयोग में होता है। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आपका प्रोटीन्स बनते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन।
और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन। और इसमें डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक एंजाइम्स लगता है जिसको ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं, और इसमें आपका आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज इसी को और ट्रांस क्रिप्टेज, इंजाइम में ए सी जुड़ा हुआ रहता है ट्रांसक्रिप्टेज, तो कौन आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका इसका सही जवाब ए। क्वेश्चन नंबर 16, प्राइमरी एटमॉस्फेयर वॉच, जब इवोल्यूशन हो रहा था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरह के इवोल्यूशन होता है, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन माने नॉन लिविंग थिंग्स का, तो उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था, तो उस समय का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, अपचयित था, इसलिए इसका सही जवाब रिड्यूसिंग, जिसका सही जवाब डी है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्राइमरी जो एटमॉस्फेयर का जो इवोल्यूशन हो रहा था उस समय आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इन एक्टेड इन, इसका इसको रटना है, इसमें समझने की कोई चीज नहीं है, इसको याद रखना चाहिए, जवाब सी 1972। यह मुख्य रूप से जो विलुप्त होते जा रहे थे जब प्लांट्स और एनिमल्स, उसको संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया जो 1972 ईस्वी में लागू किया गया, तो इसी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनएक्टेड इन 1972। क्वेश्चन नंबर 18, विच आरएनए इज शॉर्ट लिव्ड, कौन से आरएनए जो है कम समय तक सर्वाइव करता है, इसमें आरएनए का आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का जो है आपका टाइप होता है टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबो जोमल आरएनए और एक मैसेंजर आरएनए। ऐसे और भी बहुत सारे आरएनए होते हैं, एसएनओ, एसआई, इस तरह से बहुत से आरएनए होते हैं, लेकिन आपका ये आरएनए का ट्रांसफर आरएनए, मतलब अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना, राइबोजोमल आरएनए, यहाँ पर राइबोजोम्स मतलब जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मैसेंजर आरएनए वह अमीनो एसिड से मैसेज को जो है जो आपका ट्रांसफर करता है। इसमें से क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि विच आरएनए इज शॉर्ट लिव्ड, तो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए इज शॉर्ट लिव्ड, माने बहुत कम समय तक यह रहता है, और यह जो है तो सेल में जो है बहुत ही जल्दी
डिग्रेड कर जाता है या अपना काम करके मैसेंजर मैसेज को पहुंचा करके या तुरंत ही जो है जो डिग्रेड हो जाता है। तो इसलिए मैसेंजर आरएनए सबसे जितने भी आरएनए है उसमें से सबसे शॉर्ट लिव्ड है, मैंने बहुत कम समय तक ये सर्वाइव करता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि मैसेंजर आरएनए है ना इज द लॉन्गेस्ट आरएनए, सबसे जो है लंबा आरएनए है। इसमें मतलब न्यूक्लियोटाइड की संख्या सबसे अधिक होती है। ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये दोनों जो है सो बिल्कुल इससे छोटा होता है। तो ये तीनों आरएनए में से है ना आपका सबसे लॉन्गेस्ट आरएनए भी होता है। आरएनए इज आल्सो लॉन्गेस्ट आरएनए। तो क्वेश्चन जैसे भी पूछे, अगर लॉन्गेस्ट के बारे में पूछेगा तो भी मैसेंजर आरएनए होगा, शॉर्ट लिव्ड है तो भी मैसेंजर आरएनए होगा। जिसका सही आंसर सी क्वेश्चन नंबर 19। अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति किसके कारण होती है? रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू, मतलब जब हमारे शरीर में कोई अंग फंक्शनलेस हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उस अंग का प्रत्यारोपण होता है, उसके बदले दूसरे का निकाल करके उसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो उसमें कहता है अस्वीकृति कौन सा सेल करता है? इसमें फर्स्ट है साइटोटॉक्सिक टी सेल, बी सेल्स एनके सेल्स, सप्रेसर टी सेल। तो यहां पर चूंकि वह कोई भी अगर बाह्य अंग अगर हम ट्रांसप्लांट या करते हैं या किया जाता है तो इम्यून सिस्टम जो है वहां पर इम्यूनोग्लोबुलिंस वह फॉरेनर पार्टिकल्स को पहचान करता है और उसे फिर वह नष्ट कर देता है। तो इस तरह से रोकने के लिए जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं या इसको किलर टी सेल के भी नाम से जाना जाता है। किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं जो रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उसको रिजेक्ट करता है। इसका सही जवाब आपका ये साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर टी सेल्स होता है। बी सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एनके नेचुरल किलर सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, ये सप्रेस करता है जब उसके लिए एक मेडिसिन दी जाती है तो वह सप्रेसर टी सेल्स को वह सप्रेस करता है जिसके कारण फिर ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स का हो जाता है। लेकिन यह जो है सो रिजेक्ट कौन करता है? तो किलर टी सेल भी इसका नाम दिया जाता है या साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसलिए इसका जवाब ये है ना। किलर टी सेल भी रह सकता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की जगह पर किलर टी सेल्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, हिस्टोन, हिस्टोन्स आर, हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है जो आपका डीएनए उस पर अटैच होता है। तो यहाँ पर इसमें कह रहा है कि किस तरह का प्रोटीन है, एसिडिक है, फैटी एसिड है, बेसिक प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज है। तो हिस्टोन्स जो होते हैं वह जनरली बेसिक प्रोटीन होता है जो आपका जो डीएनए उस पर आपका लेपटे होते हैं, एक क्वाइल के रूप में होते हैं क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है वहां पर। लेपेटना का मतलब यहाँ पर क्योंकि डीएनए जो है सो क्या है बेसिक नेचर का होता है, सॉरी एसिड नेचर का होता है, इसलिए उसका नाम न्यूक्लिक एसिड है। तो वो आपका एसिड नेचर का होता है और ये जो है उसके साथ अट्रैक्शन होता है, यह बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक नेचर का होता है। जो चूंकि डीएनए जो होते हैं वह आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और ये जो हिस्टोन्स जो होते हैं आपका वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो प्लस और माइनस
एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो है सो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो यूकैरियोटिक सेल में आपका हिस्टोन्स एसोसिएट न्यूक्लिक एसिड या डीएनए जो है एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वह डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो होता है नेकेड होता है, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होते हैं, है ना, डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। तो इस तरह से हिस्टोन के बारे में अगर पढ़े हैं तो जानकारी होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बतलाना है कि हिस्टोन है क्या चीज, तो बेसिक प्रोटीन है जिस पर प्लस चार्ज होते हैं और डीएनए पर माइनस चार्ज होते हैं, जिसके कारण दोनों में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से लिपटे होते हैं। तो आज का ये जो सेशन है वह आपका यहीं पर समाप्त होता है, और शेष क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो अगर पसंद है या पसंद करते हैं तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर अवश्य।